रविवार की रात गाजा पर नॉनस्टॉप हवाई हमले किए गए। इजराइल सेना के जनरल ने ऐलान कर दिया है कि गाजा पर दूसरे फेज की लड़ाई अब शुरू होने वाली है और उससे पहले हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर जोरदार हमले होंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले वायु सेना हमास को आसमान से तोड़ेगी और फिर जमीनी हमला करके इजराइल की सेना आतंकियों को मिट्टी में मिला देगी। इसराइल की वायुसेना चुन चुन कर गाजा में हमलों को अंजाम दे रही है। ये हमले शनिवार को और तेज हो गए और पूरी गाजा पट्टी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, गाजा शहर से लेकर खान यूनुस तक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई और इस एयर स्ट्राइक को इस तरह से अंजाम दिया जा रहा है ताकि इजरायली सेना को जमीनी हमला करने में मदद मिल सके। इसराइल की सेना कमांडर ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उनकी सेना पूरी तरह से तैयार है। 1000 से ज्यादा टैंकों, सैकड़ों हेलीकॉप्टर, हजारों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और रॉकेट लॉन्चरों के साथ साथ 1,00,000 से ज्यादा सैनिक बदला लेने के लिए तैयार खड़े हैं। हमास के हैवानों को नरसंहार की सजा देने के लिए तैयार है और उन्हें पता है कि जमीन के भीतर अपने बिलों में वो आतंकी छिपे हुए हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं इसराइल के जवानों का। ये सुरंगें कहां कहां तक कैसे कैसे गई हैं? इन सुरंगों में हमास किस तरह से घात लगाकर हमला कर सकता है और हमास के साथ अर्बन वॉरफेयर में किस तरह से इजराइल की सेना फंस सकती है, इसके बारे में इजराइल की सेना ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं और यही वजह है कि शनिवार को इजरायली सेना के जनरल अपने जवानों के बीच में पहुंचे और उन्हें याद दिलाया कि कैसे हमास के आतंकियों ने इजरायल के लोगों की जान ली थी, कैसे उन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया और अब वक्त आ गया है जब उनके घरों में घुसकर उन्हें इसकी सजा देनी है। ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. पश्चिम मीडिया के मुताबिक इसराइल की सेना के टॉप अधिकारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके पास बड़े पैमाने पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी इसराइल की सेना को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश आने वाला है और उसके बाद गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करने के लिए चलाया जाएगा ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन।